गया जिले के टिकारी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी सुमन कुमार के पक्ष में वोट दिलाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज बब्बर ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जिसने आपका मजाक उड़ा रहा है कि बोला जाएगा कि 10 लाख नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा तो खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक करते हैं। मुझे बहुत अफसोस है, उस गद्दी पर बैठने के बाद मजाक करते हो। मैं आपसे इस बात के लिए वादा करके जा रहा हूं, इस मंच से आज ही हमने मैनिफेस्टो रिलीज किया है और हमारा मैनिफेस्टो सिर्फ ये नहीं कागज पर कर दिया है, राहुल गांधी का वचन है, कांग्रेस पार्टी का वचन है। वो वचन है कि हमारी चार सरकारें बनी थी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के अंदर, तो राहुल गांधी ने कहा था कि जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री शपथ लेंगे ये हम किसानों वाला कानून पास कर देंगे। और याद करो, मुख्यमंत्री शपथ ले रहा था और दस्तखत कर रहा था, राजस्थान से शुरू हुआ, मध्य प्रदेश से शुरू हुआ और उसके बाद में सीधा गए छत्तीसगढ़ और उसके बाद पंजाब में, हुआ या नहीं हुआ, सेम डे शपथ लेने के बाद में दस्तखत किए या नहीं किए, जवाब दो। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, पत्रकार बंधु भैया बैठे हुए और उसी के सहायक हम कह रहे हैं कि दोस्तों, अगर ये मुख्यमंत्री चाहता आज की तारीख में धोखा न देना चाहता, आपका मजाक न उड़ाता, तो आज की तारीख में 4.5 लाख नौकरियां अभी सरकार दे सकती थी, नहीं दी है, अभी बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया है। अरे नियत होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए तो 10 लाख नौकरियां दी जा सकती हैं और हम वचन देते हैं इस बात का। ये हमारा वचन है कि जिस दिन सरकार बनेगी ये सुमन जब यहाँ से आपके साथ गया से मनोज कुमार के साथ अंशु भारद्वाज की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।